अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज हो गया है माशाल्लाह 12वां रोज़ा। शायद आपको मिलेगी मेरी 13वें रोज़े को, या फिर 12वें रोज़े को ही शाम में डाल दूँगी अगर छोटा वो मोटा सा ब्लॉग बनाया है तो। हम लोग का रमज़ान का पहला अशरा कम्प्लीट हो चुका है, अब हम दूसरे अशरे की तरफ चल पड़े हैं। अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल फरमाए। एंड इधर कर रही है मम्मी मशीन में टरपटर, मम्मी का फेस ना जाए, कभी मुझे लेने के देने पड़ जाए। और रूबी मेरा सूट बनाने के तक मैं लाइट जला लेती हूँ। फर्स्ट मेरा रूबी सूट कस्टमाइज़ करने की कर रही है तैयारी, वो कर रही है अभी मेरे सूट पे आयन, फिर उसको कटिंग करेगी, फिर वो अभी उसने कुछ अच्छा सा डिज़ाइन सोचा है कि मैं वो बना दूँगी, दिखाती हूँ आपको। रूबी आयन करने ज़रूरी हो, इसमें ऐसे ही कर दे भाई, ऐसे ही कहाँ तो पूरी रगड़ रगड़ के कर रही है। पता नहीं मैं कब सीखूंगी सिलाई, मुझे लगता नहीं इस जन्म में सिलाई सीख पाऊंगी। और उसका ड्रॉर खोल रखा है किसी ने, ठीक कर देती हूँ। हम लोग को जो भी मिलता है इस ड्रॉर के अंदर ठूस देते हैं, विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली। तो अभी मैं इसको कर देती हूँ ठीक, इसको भी मैं एक मुझे आला सारा करते हुए कर दूँगी ठीक इसको। ऑल सेट, सही है ना? इसके ले लो ना प्लाजो, वो जो न्यू सूट रखा हुआ मेरा पिंक, चल इसका ही कर दे, पर इससे थोड़ा छोटा करना, ये फ्रॉक है भाई। हाँ फ्रॉक ही, तो प्लाजो तो उससे ले रही हूँ वाइट वाले से। ओके मेरी कायरो देखो कितनी प्यारी प्यारी हरकतें करती है, देखना जरा कितना प्यारा, जो कैसे लाडना है इसके ऊपर, ये फिर से अपने कान पे घुमाएगी, फिर से करेगी। और कभी कभी ना अपने दांतों से अपने पंजे भी खींचती है, ये पता नहीं क्यों करती होगी ऐसे। रूबी हाँ मेजरमेंट कर रही थी मेरे जुमे के सूट के लिए, जो कि मुझे जुमे में पहनना है, मतलब मैं नेक्स्ट जुमे में पहनूंगी। और ये मतलब कस्टमाइज़ करेगी अच्छे से इसको, ये डिज़ाइन सोच रही थी कि कौन सा लगाऊँ इस पर। मैं रूबी यही बात कर रही थी कि मुझे ना फ्रॉक स्टाइल में बनाना है और उसके नीचे एक प्लाजो भी कर लेगी। रूबी ने फटाफट कटिंग करके अब इसे सिलाई पर भी लगा दिया। रूबी कितने दिन में सिल देगी, कितने दिन में सिल लिया प्लाजो? सिल लिया, मैंने तेरे जैसा हुनर मेरे अंदर कब आएगा? कटर कटर क्यों कर रही मशीन? तूने नज़र लगा दी इसमें, ओए ओए नींबू पानी, वो नींबू मिर्ची बांध ले भाई, हद कर दी लगी तेरी से, तेरी बेइज्जती बहुत हुआ है, कितनी बेकार लड़की भाई तू। रूबी की मशीन को लग गई खुश की नज़र, ती नज़र 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 खराब है भाई मेरी, इतनी भी नहीं है रूबी जितनी तुमने बकवास बना दी मेरे लिए। देखना भाई इसकी सिलाई में क्या, सिलाई मशीन में क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ तो वो जैसे। चलो अब रूबी के अंदर आ गया है पूरा जोश, जोश भर गए हैं हमारी रूबी के अंदर, अब ये फटाफट से खट्टर खट्टर कर मुझे दिलाएंगे। इसमें देख इसमें कुछ हो रहा है इधर ना, कुछ नहीं हुआ, सही हो रहा, इसी वजह से टूट गया क्या धागा? नहीं वो तो उसमें वैसे ही आ गई थी। फटाफट कर, मैं तेरा एक क्लिप लेना चाहती हूँ सिलते हुए। बाहर इतनी शदीद किस्म की गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप है भैया, बच्चों की साइकिल वगैरह खड़ी रहती है यहाँ पे। ये भैया ने थोड़ा सा गार्डनिंग करके, अब मैं आफियार के घर जा रही हूँ, देखती हूँ आफियार क्या कर रही है। आफी के घर गई तो देखा तो बच्चे पार्टी की जो है फ़ोन की पार्टियाँ चल रखी हैं, बच्चों ने तो इतना दुखी किया हुआ है। आपके घर पे बच्चे फ़ोन से बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, और ये आफरी ने इतनी सुंदर वॉल पेंटिंग की हुई थी कि मैंने क्लिप ले ली एक। मैं गई अपने घर वापस, बहुत गर्मी है, मैं तो वापस आ गई भाई, कितना साइलेंट सा रहता है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा। यहाँ अंदर आती रूबी बैठी अपनी मशीन लेकर यहाँ पर, और मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी इस खटर खटर पे। रूबी बंद कर देना दो मिनट के लिए खटर खटर, एक सेकंड। यहाँ पर रखी है मेरी अम्मी वाली मशीन, यहाँ रखी है रूबी की मशीन, दोनों अपने में लगे पड़े हैं। पता नहीं अम्मी क्या बेडशीट वगैरह कर रही थी, क्या कर रही थी। इधर रूबी मेरा सूट सिलने में लगी पड़ी है, जल्दी सिल दे मैम। एंड यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आफरीन ने ये कितना सुंदर वॉल, क्या बोला, वॉल हैंगिंग ना वो बनाया, इसके नीचे कुछ वो करेगी ना, तो अभी कुछ लटकाएगी कि ऐसे ही रखेगी, बहुत सुंदर लग रहा। और कैसे वॉल पे कैसे करेगी इसको अटैच? डबल साइड पे। अच्छा चल बढ़िया यार, मुझे तो दिला ये देख, मेरे पेड़ पर चिड़िया बैठ गई आकर,
कितना सुंदर लग रहा है। तो आज एक चीज़ और ऐड हो गई है, यहाँ चने की दाल के चटपट बनाएंगे हम। लाइक चने की दाल ली, उसको भिगाया, फिर उसको क्या बोलते हैं, इसने उबाल दिया। अब उबालने के बाद जस्ट इसमें टमाटर, हरी मिर्च, प्याज कट करके डाल देंगे इसके अंदर, एंड जो है नींबू डाल देंगे खाने के वक्त। तो ये चने की चाट बन जाती है, चने की दाल की चाट, बड़ी टेस्टी लगती है। सही है, रूबी तैयारी कर रही है यहाँ पर आलू प्याज को कट करके पकौड़ियाँ बनाने की, क्योंकि जब तक रमज़ान में फ्राई चीज़ ना हो ऐसा लगता नहीं कि रमज़ान चल रहा है। ऐसे रूबी कह रही थी कि कल मैं कम बनाऊँगी। कम बनाएगी तू? कोई ज़रूरत नहीं, एक आधी चीज़ तो अच्छी लगती है यार रोज़। काले चने मैंने नमक डाल के सुबह ही भिगा दिए थे, फिर भीग कर ये नमक थोड़ा अंदर तक चला जाता है, और बस इसमें साबुत मिर्ची से मैं क्या है तड़का लगा देती हूँ, और ये सबसे इजी पीजी रेसिपी बनती है। यहाँ बना लिए हैं नींबू ने चटपटे, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। नींबू कब डालेगी इसमें? लास्ट में जब खाने बैठेंगे तभी। तू नींबू पहले क्यों डालती? ये बनाई है रूबी ने आलू की सब्जी, विच लुक्स वेरी गुड। आज रूबी नया जूस ट्राई कर रही है, मतलब खजूर वाला जूस। इसमें ये लस्सी भी मिलाएगी, और खजूर और चीनी को मिक्स करके खूब मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी लगता है ये खजूर का जूस। वो क्या बोलते हैं, डेट शेक। एंड ये वाले ड्राई फ्रूट्स रूबी ना खजूर के उसमें डाल देगी, ये जो शेक बन रहा है ना इसमें, सही लगेगा। इसमें छुरा भी पड़ा हुआ है एक। बस बस काफ़ी हो जाएगी यार ये तो। तू पिएगी? अच्छा तू तो, हाँ मुझे लगा तू ये भी नहीं पीती। इसमें निकाल दे यार। अब रूबी जो है इसके अंदर इसको किशमिश भी डाल, अच्छा लगेगा लस्सी में आती है ना किशमिश, अच्छा लगता है। ये हो गया पूरा रेडी, इसको कर देते हैं हम बंद अब, और इसको इसकी जगह पर रख देते हैं ले जाकर। ऑल सेट, इसको अम्मी पढ़ रही है नमाज, और मैं इधर रख देती हूँ इसको। आज मैंने रूबी से बोला था ना कि आलू के पकौड़े में ना थोड़ा सा मतलब पतला सा रखना, बिल्कुल बेसन, बेसन ना मुझे पतला पतला अच्छा लगता है। ये आ गई है रूबी के पकौड़े बनने स्टार्ट। ये ना मुझे हरी चटनी के साथ मस्त लगते हैं भैया बहुत ज़्यादा। तो अब रूबी फ्राई करने लगी है चिप्स, जो कि रूबी के फेवरेट हैं, रूबी से ज़्यादा खाती है। तो जी अभी टाइम हो चला है 6:35, रोज़े का टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। सो अब मैं मिलती हूँ आपको रोज़ा खोलकर, मगरिब की नमाज़ पढ़कर। तो जी यहाँ खुल चुका था रोज़ा, और रोज़े खुलने के बाद सब लोग हमारे घर पे आ जाते हैं, और हम सब मिलकर कज़न वगैरह मिलकर इतनी मस्ती करते हैं, इतनी बदी करते हैं, बहुत रमज़ान की फुल वाइब्स आ रही है आफरीन के हाथों से, आफरीन ने लगा लिया। सो फ्रेंड्स अभी लगभग मैं ये व्लॉग का एंड कर ही रही हूँ। आज के व्लॉग के लिए इतना ही था। हम लोग सब तरावी पढ़ रहे हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, वो मेरी जगह है ग्रीन वाली जा नमाज। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हैं, देखिए कितने अच्छे बच्चे। जफीर आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप किसका वेट कर रहे हो? मेरा, मेरे साथ पढ़ोगे? ठीक है आ रही हूँ। सो फ्रेंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली बार जो है इंटरेस्टिंग व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो थम्स अप यानी लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग खुश की लाइफ।